शुक्रिया, धन्यवाद मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए. और यहाँ पे हम सब आए हैं डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से, जो हमारे सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं, मतलब स्ट्रीट वेंडर्स, जिनके बारे में पथ विक्रेता, जिनके बारे में इतनी सारी बातें हो रही हैं, इनको लेकर जो भी है यहाँ पे, और उनको सबको लेकर जितने भी हम बाकी के स्टेक होल्डर्स हैं, जो कि इनके लिए जो कानून बनाया गया है, जो इनके ऊपर बहुत सारे से काम कर रहे हैं, जो एकेडमिशियंस हैं, जो इनके लिए इनको और आगे लेके जाने के लिए, इनको और सुविधाएं देने के लिए जो कमीशन यहाँ पे काम कर रही हैं, इन सबको मिला के हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, ताकि हम कुछ सीख सकें एक दूसरे से और नए कुछ जान सकें कि आगे हम कैसे लेके जाएंगे जो भी यहाँ पे हम आज डिस्कशन करेंगे उसके ऊपर. तो फर्स्ट मेरी प्रेजेंटेशन रियली सॉरी थोड़ी इंग्लिश में है, तो मैं इसको हिंदी में ज़रूर बोलूँगी ताकि सबको सुविधा हो यहाँ पे समझने के लिए. सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि देखिए, स्ट्रीट वेंडर या पथ विक्रेता हम बोलते तो हैं, पर सबसे ज़्यादा लोग यही दिखते हैं. मतलब स्ट्रीट वेंडर्स कॉन्स्टिट्यूट द लार्ज एंड विजिबल वर्कफोर्स ऑफ द इनफॉर्मल इकोनॉमी. जो हमारे सामने दिखते हैं, पर उनके लिए जो सुविधाएं हैं वो उन तक पहुंचाने के लिए सरकार क्या कर सकती है. 2014 में आपको पता है स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट आया था, जहां पे हमने स्ट्रीट वेंडिंग को रेगुलेट करने के लिए और जो लाइवलीहुड या जीविका को निश्चित करने के लिए स्ट्रीट वेंडर्स का जो एक्ट है वो लाया गया था, ताकि आप अपने हिसाब से जो काम कर रहे हैं उसमें बाहर के कोई भी आके आपके ऊपर कुछ भी आपके ऊपर ना दे सके, आपको आपकी जो जीविका है उससे आपको ना निकाल सके. तो स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट जो है वो श्योरिटी वो इंश्योर करता है. स्ट्रीट वेंडर्स बहुत सारे काम, मतलब सिर्फ एक तरीके का स्ट्रीट वेंडर्स नहीं होता है, बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं. तो ये जो डिफरेंट टाइप है, आज तक उसका कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ है. एज यू नो कि बहुत सारे स्ट्रीट वेंडर हैं जो कि सब्जी विक्रेता हैं, जो कि बनाया खाना बिकते हैं, पर ये सारे रिकॉर्ड अगर किसी भी जगह पे आप चले जाइए, सिर्फ चंडीगढ़ नहीं, चंडीगढ़ तो बहुत अच्छी छोटी सी जगह है जहाँ पे आप एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं. जो और भी बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ पे एक आदमी आते हैं 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर की दूर से काम करते हैं, काम करके फिर वापस चले जाते हैं, पर फिर भी एक दूसरे को जानते नहीं हैं. तो उनके लिए उनको एकत्रित कर पाना बहुत ही मुश्किल काम बन जाता है. वो तभी संभव हो पाती है जब वो एक दूसरे को जानते हैं, और वो एक दूसरे को जानने के लिए सबसे बड़ी प्लेटफॉर्म होती है टाउन वेंडिंग कमेटी, या TVC हम जिसको बोलते हैं. ये TVC में हमारे जो एक्ट है, जो वो हमें स्ट्रीट वेंडर्स के यहाँ पे 40